जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्य मुनि की ग्राम पंचायत सारी के झाली मठ ओक में 28 फरवरी 2022 को भूस्खलन के कारण एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और 3 परिवारों के मकान खतरे के जद में आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने इन परिवारों को मकान खाली कराकर दूसरी जगह पर रहने के आदेश दिए थे। वहीं 10 महीने बाद भी शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते पीड़ित परिवार अपने टूटे मकान में रहने को मजबूर है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को अनदेखा कर दिया है। जिले के सारी गांव के झाली मठ तूप के राकेश कुमार, वीरेंद्र लाल, हरेंद्र कुमार, धीरज लाल की मकानों के नीचे अचानक हुए भूस्खलन में मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। मकान में दरारें पड़ी हैं और इस मकान में रहना खतरे गली लगाने जैसा है। इन परिवारों को आरोप है कि प्रशासन ने यह कहकर खाली कराया था कि मकान रहने लायक स्थिति में नहीं है, किराए के मकान पर रहने को कहा, जिसका भुगतान प्रशासन की ओर से किया जाएगा। पीड़ित परिवारों को आरोप है कि प्रशासन द्वारा सही आकलन नहीं किया गया, जिसके चलते आज तक उचित मुआवजा सहित दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किराया देने लायक स्थिति नहीं है और शासन प्रशासन ने दोबारा से सुध नहीं ली, मजबूरी में टूटे मकान में रहने के लिए विवश होना पड़ा है। वहीं ग्राम प्रधान माहेश्वरी देवी ने इस मामले पर कहा कि तहसील प्रशासन जिलाधिकारियों को अवगत कराकर थक चुके हैं, केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन उचित कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। वहीं प्रशासन ने इस मामले पर रटा रटाया जवाब दिया है और रिपोर्ट शासन को भेजी है। अब गौर करने वाली बात है कि 10 महीने बाद भी रिपोर्ट का आकलन न होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 10 फरवरी 2022 को मेरा मकान भूस्खलन होने के कारण प्रशासन ने हमें यहाँ से खाली करवाया था और हमें दूसरे के मकान पर रहने के लिए बोला गया कि हम तुम्हें इसका किराया स्वयं देंगे। महोदय, हमको 10 महीना होने को आ गया है, अभी तक सरकार द्वारा न हमें मुआवजा मिला, न किराया मिला, कुछ नहीं मिला। जो 7-8 परिवार हैं वो किराए पर रहते हैं और प्रशासन की वजह से, प्रशासन ने ही उन्हें जो है किराए पर रहने के लिए बोला है। अभी तक 10 महीने गुजर गए हैं, 28 फरवरी को जो है वो भूस्खलन हुआ था और 10 महीने गुजर गए हैं, अभी तक कोई भी वो न किराए मिला है न तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 22 फरवरी को यहाँ पे जो भूस्खलन हुआ था उसमें ये कहीं घर और कहीं परिवार यहाँ पे घर से बेघर हो गए हैं। यहाँ पे 3 परिवार रहते हैं और 3 परिवार में से दो, एक परिवार को यहाँ पे 1,19,000 रुपये ये राहत कोष मिली थी और उसमें 2 परिवार वाले 1900 रुपये राहत मिली थी और 2 परिवार वाले ऐसे ही रह रहे हैं और स्वयं प्रशासन ने ही इन लोगों से घर खाली करवाए हैं। आप यहाँ की कंडीशन देख रहे हैं, जिस घर में हम हैं तो इसकी भी बहुत बुरी कंडीशन है। बगल पे इनका टॉयलेट बाथरूम था, पूरा धस चुका है और किसी भी प्रकार से यहाँ पे रहने योग्य नहीं है। और जो ये परिवार जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनको श्रेणीवार इनको मुआवजे देने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। जिला प्रशासन के लोग स्वयं यहाँ पे आए, उन्होंने पूरा निरीक्षण करने के बाद कहा था कि यहाँ कोई नहीं रहेगा। भूगर्भीय सर्वे हुआ, भूगर्भीय सर्वे के बाद नोटिस लगा।